तो बात करते हैं आजकल की पांच बड़ी मूवीज अपडेट के बारे में। तो सबसे पहली और बड़ी खबर फिल्म जवान को लेकर है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जवान की एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है और बुकिंग खुलते ही ये कमाई के रिकॉर्ड भी बनाने लग गई है। और अभी फिल्म को रिलीज होने को 2 दिनों का समय भी बचा है, मगर उससे पहले इसने लगभग 20-25 करोड़ की कमाई केवल एडवांस बुकिंग से ही कर ली है और अब तक करीब 8 लाख से ज्यादा टिकट भी बेच दिए हैं। वैसे आपने क्या जवान की टिकट अभी तक बुक करी है या नहीं, कमेंट में बताना। दूसरी अपडेट एटली कुमार की नई फिल्म को लेकर है। तो कहा जा रहा है कि जवान के बाद डायरेक्टर एटली कुमार एक हाई बजट पैन इंडिया फिल्म अल्लू अर्जुन के साथ या फिर थलापति विजय के साथ करने का प्लान बना रहे हैं। अब ये कंफर्म नहीं है कि एटली कुमार इन दोनों में से किस एक्टर को अपनी फिल्म के लिए कास्ट करते हैं, मगर कहा जा रहा है कि जवान के रिलीज हो जाने के बाद वो अपनी फिल्म का प्री प्रोडक्शन का काम शुरू कर देंगे और फिर कुछ समय के बाद ही अनाउंस कर दिया जाएगा कि कौन सा एक्टर इस मूवी में नजर आएगा। तीसरी अपडेट मैदान को लेकर है। अजय देवगन की मैदान लगभग 1 साल पहले ही बनकर पूरी तरह तैयार हो गई थी, मगर सही रिलीज डेट न मिलने के कारण ये फिल्म पोस्टपोन होती रही। और अब जब खबर आ रही है कि सालार पोस्टपोन हो गई है, तो कहा जा रहा है कि अब 28 सितंबर को अजय देवगन भी अपनी फिल्म मैदान रिलीज करने का प्लान बना रहे हैं और जल्दी फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज हो जाएगा। चौथी अपडेट गदर 2 को लेकर है। सनी देओल की गदर 2 ने वो करके दिखा दिया है जो आज तक केवल एक सपना ही लगता था। गदर 2 सबसे जल्दी 500 करोड़ के क्लब में पहुंचने वाली पहली बॉलीवुड की फिल्म बन गई है और इसी के साथ बाहुबली 2 पठान के बाद गदर 2 तीसरी इंडियन फिल्म बन गई है जो हिंदी में 500 करोड़ के क्लब में पहुंची हो। और बात करें पांचवी अपडेट के बारे में, तो कहा जा रहा है कि अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म हाउसफुल 5 को प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला काफी बड़े लेवल पर बनाने का प्लान बना रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस मूवी का बजट लगभग 300-350 करोड़ तक होगा और इसी के साथ अक्षय कुमार के करियर की ये सबसे महंगी फिल्म भी होगी और अगले साल से ही इस मूवी की शूटिंग शुरू हो सकती है।